आइए जानते हैं हेल्थ इंटेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं थायराइड का घरेलू उपचार बताने वाला हूँ जिसे आप अपना कर थायराइड में बहुत आराम पा सकते हैं। थायराइड गले में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है। गले में पाई जाने वाली इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। जब इस ग्रंथि से निकलने वाली थायरोक्सिन हार्मोन का बैलेंस बिगड़ जाता है तब शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियाँ होने लगती है। तब ग्रंथि से निकलने वाले थायरोक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तब शरीर में मेटाबॉलिज्म तेज होने लगता है जिससे हमारी बॉडी की एनर्जी जल्दी खत्म होने लगती है। इसके विपरीत थायरोक्सिन हार्मोन के बढ़ने के कारण मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है जिसके कारण शरीर सुस्त और थका हुआ हो जाता है। थायराइड ग्रंथि जिसे इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड कहते हैं बॉडी के महत्वपूर्ण हिस्से में से एक है। थायराइड ग्रंथि बॉडी के दूसरे हिस्सों को सही से काम करने का काम करती है। इसके लिए थायराइड ग्रंथि थायराइड आयोडीन बनाती है। जब यह थायराइड ग्रंथि जरूरत से अधिक या कम थायराइड आयोडीन बनाने लगती है तब थायराइड में खराबी आ जाती है और हमें थायराइड का इलाज कराना पड़ता है। आइए जानते हैं थायराइड के कारण। अगर आप अधिक सोचते हैं, तनाव में रहते हैं या शरीर में आयोडीन की मात्रा कम या अधिक होने पर या सोया प्रोडक्ट का अधिक सेवन करते हैं, गंदगी, प्रदूषण के कारण और दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी आपको थायराइड की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं थायराइड के सिम्टम्स। थायराइड दो प्रकार के होते हैं, हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म के लक्षण। हाइपरथायरॉइडिज्म में वजन घटने लगता है, शरीर कांपने लगता है, हार्ट बीट बढ़ने लगती है और अधिक पसीना आता है। और हाइपोथायरॉइडिज्म में वजन बढ़ता है, गर्दन में दर्द होता है, कब्ज की समस्या रहती है, जोड़ों में दर्द होता है, आवाज भारी होने लगती है, भूख का कम लगना, आँखों में सूजन, सर्दी लगना आदि ये हाइपोथायरॉइडिज्म के लक्षण हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं थायराइड के घरेलू उपचार। लौकी थायराइड की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए रोजाना सुबह खाली पेट लौकी का जूस पिएं। इसके बाद एक गिलास ताजे पानी में तुलसी और एलोवेरा जूस डालकर पिएं। अब आप आधे घंटे से एक घंटे तक कुछ ना खाएं। रोजाना ऐसे करने से थायराइड की बीमारी जल्दी से ठीक हो जाएगी। थायराइड के मरीज को अपने भोजन में विटामिन ए की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। विटामिन ए थायराइड को धीरे धीरे कम करता है। विटामिन ए गाजर और हरी पत्तियों वाली सब्जियों में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। काली मिर्ची का थायराइड में बहुत बड़ा उपयोग है। करें काली मिर्ची का सेवन से थायराइड की बीमारी ठीक हो जाती है। काली मिर्ची का सेवन आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। किसी भी जैसे चावल में खा लिया आपने या फिर दाल सब्जी किसी में भी अलग से आप मिला करके यूज़ कर सकते हैं। हरा धनिया के इस्तेमाल से थायराइड को ठीक किया जा सकता है। ताजे हरे धनिया को बारीक पीसकर इसी चटनी बना लें। अब इस चटनी को रोजाना एक गिलास पानी में घोलकर पिएं। रोजाना पानी के साथ हरे धनिया की चटनी का सेवन करने से थायराइड धीरे धीरे कंट्रोल में होने लगता है। हरा धनिया जिसे कोथमीर भी कहा जाता है। थायराइड के मरीज को प्याज लहसुन टमाटर जैसी आयोडीन युक्त चीजों का सेवन करना चाहिए। अश्वगंधा थायराइड के मरीज को रोजाना गाय के दूध में एक चम्मच अश्वगंधा चूर्ण मिलाकर पीना चाहिए। थायराइड में व्यायाम यानी एक्सरसाइज का बहुत बड़ा महत्व है। रोजाना आधे घंटे से एक घंटे तक व्यायाम जरूर करें। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, थायराइड भी कंट्रोल में रहता है। नारियल पानी यानी कोकोनट वाटर। नारियल पानी भी थायराइड कंट्रोल करने में बहुत सहायक होता है। रोजाना एक गिलास नारियल का पानी जरूर पिएं। योगा करने से भी थायराइड की समस्या से काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। सुबह रोजाना आधे घंटे से एक घंटा योगा करें। इन योगासन से आपको थायराइड का इलाज करने में आसानी होगी। जैसे कि फर्स्ट है हलासन, मत्स्यासन और विपरीत करनी आसन। थायराइड में कुछ आवश्यक परहेज। सफ़ेद नमक ना खाएं, हमेशा सेंधा नमक ही खाएं। नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। वनस्पति घी का सेवन करने से बचें। रेड मीट का सेवन कभी ना करें।
दोस्तों, आज मैंने आपको थायराइड का घरेलू उपचार बताया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।